हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिंग टिक की वेबसाइट को यूज़ करना सीखेंगे। गाइस, ट्रेडिंग टिक एक ऑप्शन डेटा एनालिसिस का टूल है। इसमें गाइस कम्प्लीटली आप फ्री में ऑप्शन के डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, और साथ ही साथ गाइस यदि आपको फ्यूचर के स्टॉक का एनालिसिस करना है तो वो भी इस वेबसाइट में आप कर सकते हैं। ट्रेडिंग टिक में गाइस काफ़ी सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हम गाइस वन बाय वन करके सारे ऑप्शन को कवर करेंगे। तो गाइज लास्ट तक आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए गाइज, यहाँ पे सबसे ऊपर में आप यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हो, फ्यूचर ऑप्शंस, स्ट्रैटजी, बैक टेस्ट, अबाउट, है ना। और यहाँ पे लास्ट में आपको आपका अकाउंट भी दिखाई देगा। देखिए, फ्यूचर का यदि आपको एनालिसिस करना है तो फ्यूचर में आपको फ्यूचर एनालिसिस, लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट एनालिसिस, ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे फ्यूचर में दिखेंगे। फ्यूचर एनालिसिस में यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे गाइज आपको जो है अगेन काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए, फ्यूचर में यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है फ्यूचर के जितने भी स्टॉक हैं हमारे 190, 200 स्टॉक जितने भी, वो सारे स्टॉक आपको यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। अब गाइज जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, ये क्या होता है काफ़ी सारे लोगों को नहीं मालूम होता। देखिए गाइज, लॉन्ग बिल्डअप का अर्थ क्या हुआ कि मार्केट में कंटिन्यू एक बाइंग का प्रेशर बना हुआ है, लोग बस कंटिन्यू खरीदारी कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में या पर्टिकुलर इंडेक्स में, है ना, तो उसका उसको हम बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप का अर्थ क्या होगा कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर इंडेक्स में कंटिन्यू एक सेलिंग की पोजिशन बन रही है ना। जिस शॉर्ट बिल्डअप में कंटिन्यू सेलिंग की पोजिशन बन रही, तो उसका मतलब वो लिख के आएगा आपको यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप। यदि कंटिन्यू बाइंग की पोजीशन बन रही है तो लॉन्ग बिल्डअप। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब होता है जो भी आपने बाइंग की पोजीशन बनाई है उसको यदि आप एग्जिट करते हैं तो लॉन्ग अनवाइंडिंग कहा जाता है। यदि गाइज आपने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई उसको यदि आप एग्जिट कर रहे हैं तो उसका अर्थ होता है शॉर्ट कवरिंग। आई होप कि आपको समझ आया होगा। लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट में भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है। तो गाइज अब हमारा सबसे मेन जो ऑप्शन आता है, यदि आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपका ऑप्शन ऑप्शन एनालिसिस आएगा। ओआई एनालिसिस को ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस भी बोलते हैं। ओआई का अर्थ होता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए गाइज, सबसे पहले वाला जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे दिखाई देगा आपको सिंबल का ऑप्शन। सिंबल पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आपको देखना है तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम बैंक निफ्टी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपायरी सेलेक्ट कर का ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने का। आप जिस भी एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद डेट, और इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको बड़े बड़े बार दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा है टोटल ओपन इंटरेस्ट और ये हमारा ऊपर वाला है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको काफ़ी ग्रीन और रेड बार दिखाई दे रहे हैं। अब ग्रीन वाले बार का मतलब होता है कॉल राइटिंग और पुट, रेड वाले बार का अर्थ होता है पुट राइटिंग, ठीक है। अब ग्रीन बार मतलब कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, सेलिंग की पोजीशन बन रही है। ग्रीन बार का यहाँ पे अर्थ है गाइस, जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 46,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर है। अब 46,000 पे कॉल राइटर है, इसका मतलब कि मार्केट जो है कंटिन्यू सेलिंग की प्रेशर मार्केट में बना हुआ है और कंटिन्यू लोग जो है सेलिंग बना रहे हैं अपनी पोजीशन। देखिए, यदि आप यहाँ पे हम चार्ट पे भी चल के देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 46,000 के लेवल पे, देखिए बैंक निफ्टी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए 46,000 के लेवल देखिए आप जरा, ये आप देख सकते हैं 46,000 का लेवल। देखिए 46,000 से कंटिन्यू मार्केट में एक शार्प सेलिंग हुई है, ये देख सकते हैं गाइस आप कि 46,000 के लेवल पे कंटिन्यू मार्केट में एक शार्प सेलिंग आई है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 46,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर एक्टिव है, जिस भी बार पे सबसे ज्यादा कॉल, जिस भी सो गाइस जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर या पुट राइटर एक्टिव हैं, आपको उस डायरेक्शन में आप अपनी ट्रेड को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते थे 46,000 पे कॉल राइटर एक्टिव, इसका मतलब है कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है और सेलिंग का प्रेशर बन रहा है। देख सकते हैं आप मार्केट में कंटिन्यू एक गिरावट आई थी, अच्छी खासी गिरावट आई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी सेलिंग की या फिर बाइंग की पोजीशन को बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन गाइज आपका यहाँ पे आता है ट्रेंडिंग स्ट्राइक। गाइज ट्रेंडिंग स्ट्राइक में आपको देखने को मिलेगा जो भी हमारी स्ट्राइक प्राइस है उन पे, जो भी हमारा जिस भी प्राइस पे मार्केट चल रहा है उसकी 4 से 5 स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे होगा वो लाइन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब यूज करने के लिए यदि आप देखें
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 45,000 पे सबसे ज्यादा पोर्ट्राइट डायरेक्टिव है, ठीक है। 45,000 पे सबसे ज्यादा पोर्ट्राइट डायरेक्टिव थे, तो आप यहाँ पे देखेंगे पोर्ट्राइट डायरेक्टिव थे और मार्केट जो है ऊपर आ गई, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा गाइज यहाँ पे कॉल वर्सेस पुट ओआई। आप गाइज कॉल वर्सेस पुट ओपन इंटरेस्ट में भी है, ये आपको देखना है कि ये जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, इसमें रेड वाली लाइन ऊपर है या ग्रीन वाली लाइन ऊपर है, ठीक है। तो अभी क्या है, रेड वाली लाइन ऊपर है। रेड वाली लाइन का मतलब है पुट राइटिंग हो रही, और पुट राइटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुट राइटिंग हो रही मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से एक आपको मार्केट में एक ओवरव्यू मिलेगा इसको देखने से कि मार्केट ऊपर जा सकती है या फिर नीचे आ सकती है। देन उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको मल्टी स्ट्राइक ओआई का ऑप्शन मिल जाता है। अब मल्टी स्ट्राइक ओआई का मतलब क्या होता है गाइज, कि जैसे 45,800 है, 45,900 है या फिर 46,000 है, जितने भी जो स्ट्राइक प्राइस हैं उनको यदि आपको एक सिंगल चार्ट पे देखना है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको मल्टीपल ओपन इंटरेस्ट जो लाइंस हैं उनको आप एक जगह पे लगा के देख सकते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना ओपन इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे आता है ओआई इंटरवल वेल वाइज, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि गाइस लास्ट 15 मिनट में, लास्ट 16 मिनट में, लास्ट 1 डे में क्या ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, घट रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक सिंगल विंडो में, है ना। तो ये भी आपको काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है कि यहाँ पे आपको लास्ट 1 डे से लेके करंट तक आपको एक सिंगल विंडो पे देखने को मिल जाता है कि ओपन इंटरेस्ट पर्टिकुलर निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। सो गाइस वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं, लेकिन बाकी ऑप्शन जो है इतने यूजफुल नहीं है, तो आप इसको खुद से चेक कीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा स्ट्रेटजी का। यहाँ पे स्ट्रेटजी में यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैंगल जो होते हैं हमारे, वो आपको उसका चार्ट, उसके प्रीमियम का जो चार्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। यदि आपको इंट्राडे में कोई बैक टेस्टिंग करनी है तो वो चीज़ आप यहाँ पे बैक टेस्ट में जाके कर सकते हैं। सो आई होप गाइज कि आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया वो समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और गाइज कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं।